नमस्कार दोस्तों, आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी के कारण और पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर के कारण हमारी त्वचा का ग्लोनेस कम होने लगा है, फेयरनेस कम होने लगा है और हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा डल दिखता है और जिसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होते जा रहा है। मैं आज आपको एक ऐसा फेयरनेस कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको आप यूज़ करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हमें बहुत सारे मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव से जूझना पड़ता है और इसी के कारण हमारी स्किन जो है अपना ग्लो खो देती है और डल दिखने लगती है और हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा रूखा और बेजान दिखने लगता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा फेयरनेस कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जिसको आप यूज़ करेंगे तो ना सिर्फ आपके चेहरे में फेयरनेस वापस आएगी, ना सिर्फ आपके चेहरे में ग्लोनेस वापस आएगी, आप अच्छे दिखने लगेंगे, आप खूबसूरत दिखने लगेंगे। इसके अलावा आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्किन रिलेटेड आपको पिंपल्स होते हैं, बार बार दाने निकलते हैं चेहरे में जिसके कारण काला काला धब्बा पड़ जाता है, मेलाज्मा की प्रॉब्लम है, कलोज्मा की प्रॉब्लम है, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, इन सब में भी आपको आराम लगेगा। तो दोस्तों, ये फार्मूला है मैरी कॉम्प्लेक्शन फार्मूला या मैरी फेयरनेस फार्मूला। बहुत ही अच्छा फार्मूला है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो जो आपके चेहरे से फेयरनेस खो गया है, डलनेस आ गया है और जो आपका चेहरा काला दिखने लगा है, उसमें काफ़ी सारा मेलानिन पिगमेंटेशन हो गया है जिसके कारण चेहरे में हाइपर पिगमेंटेशन के कारण आपका चेहरा काला दिखने लगा है, तो वो सब ठीक हो जाएगा और आपका चेहरा पहले जैसा अच्छा दिखेगा, फेयर दिखेगा और आप बहुत ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत दिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैरी फेयरनेस फार्मूला में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस डली हुई हैं और वो क्या करती हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट हैं आपके चेहरे में और आपके स्किन में। उसके बाद मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसको यूज़ करने का मतलब लेने का तरीका बताऊंगा और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि मैं कब से इस मैरी कॉम्प्लेक्शन फार्मूला को यूज़ कर रहा हूं और कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं, ये सब बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस मिली हुई हैं। सबसे पहली मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र को आपको 6CH पोटेंसी में यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों, अगर आपकी चेहरे की स्किन बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है और उसमें मेलाज्मा, कोलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, साथ में पिंपल्स की प्रॉब्लम है, साथ में ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा डल है, फेयर बिल्कुल नहीं है और धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा है, तो सल्फ़र बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है बोविस्टा। दोस्तों, बोविस्टा को 6CH पोटेंसी में ही यूज़ करना है। दोस्तों, बोविस्टा अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, और हम सब बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, अलग अलग क्रीम यूज़ करते हैं, कभी हम पेंडम क्रीम लगाते हैं, कभी कुछ और क्रीम लगाते हैं, कभी कुछ और क्रीम लगाते हैं, जिससे हमारा चेहरा अल्टीमेटली लास्ट में बहुत ज़्यादा डल हो जाता है और फेयरनेस खो देता है और कालापन हमारे चेहरे में दिखने लगता है और बहुत ही भद्दा सा चेहरा हमारा दिखता है, तो उन कॉम्प्लेक्शन क्रीम के साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए बोविस्टा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और फेयरनेस को वापस से जैसा आप बचपन में थे गोरे और सुंदर, तो वैसा लाने में मददगार मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है सीपिया। अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल है और फेयरनेस खो चुका है, आपको कोलाज्मा, मेलाज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो सीपिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और सीपिया को इस फेयरनेस कॉम्बिनेशन में 6CH पोटेंसी में यूज़ करना है। चौथी मेडिसिन है कालीब्रोम, और कालीब्रोम को भी आपको 6CH पोटेंसी में यूज़ करना है। दोस्तों, अगर आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बार बार सूख जाते हैं और काला काला निशान आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा है जिसके कारण आपका चेहरा डल दिख रहा है, फेयरनेस खो चुका है, तो कालीब्रोम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लास्ट में इसमें नेट्रम म्यूर मिली हुई है और नेट्रम म्यूर 6CH पोटेंसी में यूज़ करना है फेयरनेस कॉम्बिनेशन में, और बिना नेट्रम म्यूर के फेयरनेस कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि नेट्रम म्यूर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है
फेयरनेस को वापस लाने के लिए, कॉम्प्लेक्शन ठीक करने के लिए और साथ ही साथ ग्लोनेस वापस लाने के लिए। अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा काला है और बहुत ज़्यादा चिपचिपा है और बहुत ज़्यादा ऑयली है तो नेट्रम्यूर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन। ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन मैरी फेयरनेस कॉम्बिनेशन में मिली हुई। दोस्तों अब चलते हैं कि इसको आपको बनाना कैसे है और उसके बाद इसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको 5 होम्योपैथिक मेडिसिन लानी पड़ेगी, होम्योपैथिक शॉप से या ऑनलाइन शॉप से मंगवानी पड़ेंगी। उन 5 होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है सल्फर 6CH, बोविस्टा 6CH, नेट्रम्यूर 6CH, कालीब्रोम 6CH और साथ में सीपीआर 6CH। तो ये 5ों मेडिसिन आप होम्योपैथिक शॉप से ले आइएगा, या तो SBL की 30ml की फ़ाइल लाइएगा या WSI की 30ml की फ़ाइल यूज़ करिएगा। और साथ ही साथ आपको होम्योपैथिक शॉप से एक खाली ग्लास की सीसी लानी है, खाली फ़ाइल लानी है 100ml की। तो आराम से होम्योपैथिक शॉप में खाली सीसी मिल जाती है 100ml की। तो मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, उसकी भी आप अच्छे से पिक्चर देख लीजिए। तो वो भी लानी है। तो आपके पास है 100ml की खाली सीसी और साथ में है 5 मेडिसिन। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बराबर बराबर मात्रा में 5ों मेडिसिन उस खाली सीसी में मिलाना है। तो मान लीजिए मेरे हाथ में एक खाली सीसी है, तो मैंने सबसे पहले सल्फर 6CH उस खाली सीसी में 20ml डाला, लगभग 20ml। उसके बाद मैंने बोविस्टा 6CH 20ml उस खाली सीसी में डाला। उसके बाद मैंने सीपिया 6CH 20ml उस खाली सीसी में डाला। उसके बाद मैंने कालीब्रोम 6CH उस खाली सीसी में डाला और लास्ट में नेट्रम्यूर 6CH उस खाली सीसी में डाला। तो 20-20ml अगर आप खाली सीसी में डालेंगे और 100ml की सीसी है तो वो पूरी तरीके से भर जाएगी, थोड़ा सा एक गैप बचेगा, तो उतना गैप ज़रूर मेंटेन रखना है। और उसके बाद उस सीसी का ढक्कन आपको अच्छे से बंद कर देना है। अगर ड्रॉपर है तो ड्रॉपर लगा के अच्छे से उस सीसी को बंद करना है। और उसके बाद बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मान लीजिए वो 100ml की सीसी मेरे हाथ में है, तो मैं एक हाथ ऐसे रखूँगा और एक हाथ ऐसे रखना है और बस आपको 10 बार ऐसे इसको करना है। तो 10 बार आपने किया और ये बन गया फेयरनेस कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्शन कॉम्बिनेशन, मैरी फेयरनेस कॉम्बिनेशन। बस आपको ध्यान ये रखना है कि 30CH में बिल्कुल कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको 6CH पोटेंसी में ही यूज़ करना है। तो पोटेंसी का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो आपने बना लिया फेयरनेस कॉम्बिनेशन, यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, 6 बूंद दिन में 3 बार आपको पीना है। तो सिंपल ऐसा इसको आप खोल लीजिए और जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है, और 6 बूंद डायरेक्टली आप टंग में सुबह एक बार पीना है, एक बार दोपहर में पीना है और एक बार शाम को पीना है। अगर जीभ में आप डालते हैं और हल्की जलन होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप 1 चम्मच पानी में 6 बूंद डालिए और उस पानी को पीजिए दिन में 3 बार। तो 2 तरीके हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं और डायरेक्टली टंग में भी ले सकते हैं। और इसके साथ आपको एक मेडिसिन लगानी भी है, तो उस मेडिसिन का नाम है बर्बेरी सेकोफोलियम मदर टिंचर। तो मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, बर्बेरी सेकोफोलियम मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं, तो कॉम्प्लेक्शन के लिए और मेलानिन पिगमेंटेशन को कम करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, फेयरनेस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बर्बेरी सेकोफोलियम मदर टिंचर को कैसे यूज़ करना है, तो वो भी आपको पता ही है कि बर्बेरी सेकोफोलियम मदर टिंचर लगभग आप 20 से 25 बूंद लीजिए और 20 से 25 बूंद गुलाब जल उस मदर टिंचर में मिला लीजिए। मान लीजिए बर्बेरी सेकोफोलियम मदर टिंचर आपने 20 से 25 बूंद अपनी हथेली में ही डाल लीजिए और 20 से 25 बूंद अपनी हथेली में ही आप गुलाब जल मिला लीजिए और अच्छे से मिला के आप अपने चेहरे में या गर्दन में या आप कान में, जहाँ फेयरनेस आपको चाहिए वहाँ पर आप लगाइए दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है बर्बेरी सेकोफोलियम मदर टिंचर, साथ में फेयरनेस कॉम्बिनेशन यूज़ करिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मुझे रिजल्ट्स ज़रूर आप बताइएगा इस वीडियो के नीचे, तो नीचे मैसेज सेक्शन है,
ज़रूर मैसेज करिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई है तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।